स्पेशली इस मूवी को देखने के लिए मैंने इवनिंग वाला शो चूज किया है, ताकि भाई जब इस मूवी को देखूं तो थोड़ा बहुत मुझे डर लग जाए, लेकिन नहीं, इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा द कंज्यूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट मूवी के बारे में। ये कंज्यूरिंग के सेगमेंट में थर्ड मूवी है और इस मूवी की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे की है। अब यार देखो, मैंने जैसा कहा कि मैं डरने के पर्पज पे गया था कि यार चलो यार मुझे डरा सको, मैं रात का भी शो ले लेता हूँ यानी इवनिंग का शो ले लेता हूँ, हिम्मत है तो डरा दो, बट यार वैसी चीजें नहीं हुई जैसा मैं सोच के गया था। तो मूवी की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा दिखाया गया, डेविड नाम है उसका, उसके ऊपर कोई जादू टोना हो जाता है, श्राप हो जाता है जैसे इस मूवी में बताया जाता है, या फिर कहीं उसके ऊपर भूत का साया आ जाता है। अब जो वो भूत का साया है इस बच्चे की जान लेकर ही मानेगा, क्योंकि उसका ही श्राप जब पूरा होगा, खैर ये सारी चीजें आप लोगों को मूवी में देखने की मिलेंगी जो श्राप के बारे में बात कर रहा हूं। अब इस डेविड को बचाने के लिए इसी मतलब इसका रिश्तेदार तो नहीं कहूंगा, इसके जान पहचान का एक अडल्ट जो जिसका नाम होता है आर्नी, वो ये साया अपने ऊपर ले लेता है। जैसे वो दिखाया जाता है कि कैसे वो बोलता है साया मेरे पास आ जा मेरे पास वगैरह वगैरह, ये सब चीजें वो कहते हैं। अब यहां पर जब आर्नी के पास आता है तो आर्नी की जान को खतरा हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए एड और उसकी वाइफ लॉरिन, ये दोनों जो है एक्चुअल में भूत भगाने का काम करते हैं, जो साया होता है उसको दूर करने का काम करते हैं, जादू टोने को तोड़ने का काम करते हैं। अब ये आर्नी को कैसे बचाते हैं, उसकी जान कैसे बचाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इस मूवी में दिखाई गई हैं, और ये सब जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब जो मुझे इस मूवी के अंदर सबसे बढ़िया जो चीज लगी उसके बारे में बताऊं तो मुझे इसमें परफॉर्मेंस, एक्टिंग ये काफी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, स्टोरी भी मुझे ठीक ठाक ही लगी। अब इसके अलावा ये जो मूवी है यार बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि यार जैसे इसमें मैंने कहा ना डरने के पर्पज पे गया, तो डर तो कहीं पर भी नहीं लगा। सबसे वीक पॉइंट मुझे इस मूवी का लगा इसका प्रिडिक्टेबल होना। यार बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल मूवी है, आप आसानी से पता कर लोगे यार आने वाले सीन में क्या होने वाला है, एंडिंग आसानी से आपको पता कर लोगे, तो यार फिर डर किस बात का लगेगा। और इवन जितनी भी जो डरावनी मूवीज होती हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाता है किसी को डराने का, कि अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाए, कोई मतलब एक अजीब शक्ल आपके सामने ला दी जाए, या फिर अचानक से साउंड को तेज कर दिया जाए, तो वो वाला जो चीज यूज करते थे यार वो मुझे लगता है कि वो ओल्ड चीज हो गई यार, उससे डर नहीं लगता। हाँ, उससे हम थोड़ा वो चौंक जाते हैं, एकदम से कोई चीज आ जाती है ओह ऐसे, तो वो चौंकने वाली चीज आती है उसको डरावनापन तो नहीं कह सकता मैं। और मूवी के अंदर एक जो स्टार्टिंग में बात बता दी जाती है कि भाई ये जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, यार देखो सच्ची घटनाएं तो मुझे पता नहीं कि कितनी सच है इसके अंदर कितनी झूठ है, तो उसकी प्रामाणिकता के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक्चुअल ऐसा है या नहीं है, कुछ नहीं पता भाई। हाँ, कोई वॉर मूवी हो तो उसके अंदर तो हमें लगता है कि हाँ ये जो चीज है वो हो सकती है, लेकिन इसके अंदर तो वो ऐसी चीज निकल के सामने नहीं आती है। मूवी में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत डर लग सकता है। यार सच्ची मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा, मैं जब मूवी देखने गया तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, काफी उम्मीदें लेकर गया था, लेकिन वो उम्मीदों के ऊपर सारा पानी फिर जाता है जब ये मूवी जिस तरीके का परफॉर्मेंस देने लगती है। केवल सिर्फ इसमें एक्टिंग ही अच्छी लगती है, कहानी ठीक ठाक लगती है, लेकिन जिस तरीके से इसको चलाया गया है कि एक बिल्कुल सिंपल सी भूत वाली मूवी है, उसके अंदर किसी ने जादू टोना कर रखा है कि हाँ भैया ये इसको पकड़ लेंगे, ये इसको मार देंगे, जैसा टोना टूट जाएगा। देखो स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बट एक्चुअल में जैसे इस मूवी की जो स्पीड चलती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कंजरिंग के सेगमेंट में जो इसकी पुरानी 2 मूवीज आई थी वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एज कंपेयर टू जो ये मूवी आई है, और वो सच में लगता है कि यार वहां पर मेहनत की गई है, वहां पर कहानी डेवलपमेंट है, करेक्टर में भी काफी ज्यादा अच्छा हमें लगता है वहां पे देखने पर। लेकिन इसमें ऐसा चीज नहीं है यार, इसमें जिस तरीके का जैसे इन्होंने जो टैगलाइन यूज कर रखी है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब जैसे जिस व्यक्ति इसमें दिखाया गया है, एक आर्नी नाम का जो व्यक्ति है, वो किसी भूत के चक्कर में, मतलब भूत के चक्कर के मतलब इसके ऊपर भूत का होता है क्या कहते हैं उसको, कब्जा कर रखा है, शरीर पर कब्जा कर रखा होता है आर्नी के शरीर के ऊपर। अब आर्नी भूत के जिसने कब्जा कर रखा था वो किसी व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देते हैं, और अब ये जो केस है वो अमेरिका के कोर्ट में जाता है, जब अमेरिका की बात होती है तो वहां पर कोर्ट में ये बताया जाता है कि आर्नी के ऊपर किसी भूत का कब्जा है। तो ये वाली जो चीज इन्होंने दिखाई गई कि हाँ भाई ये इतिहास में पहली बार हुआ, ये ट्रू इवेंट है, तो ये चीजें दिखाना तो मुझे लगता है कि यार एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको सीरियस ले लो, इसमें डर है, एक्चुअल में सब चीजें हुई हैं, लेकिन वो यार चीजें उतनी हमें लगती नहीं है, हमको इतना मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाती कि एक्चुअल में वो रियल चीजें हैं। और लास्ट में जब ये मूवी खत्म होती है तो इसमें लिखा आता है कि भाई ये जो आर्नी है इसको 5 साल की सजा हुई थी, और इसने डेबी नाम की एक लड़की से शादी की, और इन्होंने मतलब आज 2021 में भी उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो ये एक्चुअल की घटना। ये लास्ट में जब ये मूवी खत्म होती है तो लिखा आता भी है ऐसा, तो आई डोंट थिंक सो कि यार वो चीजें पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती, वो आपको डिसाइड कर लीजिए।
खैर मूवी के पर्सपेक्टिव से, मतलब कि भूतिया कि, ये मूवी कितनी भूतिया है, कितनी हॉरर है, उसके बारे में बात करूं तो देखो यार बिल्कुल भी इसमें हॉरर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। आप लोगों को कहीं पर भी डर नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत एकदम से कोई चीज आ जाती है शायद आप उसे चौंक जरूर जाओगे, लेकिन वो डर नहीं है। और जैसे इसके अंदर आर्मी ने किसी का कत्ल किया तो कत्ल करता हुआ भी वो सीन नहीं दिखाया जाता है, एकदम से कुछ और चीजें दिखा दी जाती है फिर, और ना ही इसके अंदर कोई भी आपके सामने अजीबोगरीब कोई विचित्र विचित्र चीज आपके सामने आती है जिसे देखकर आपको थोड़ा लगे यार ये क्या चीज आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं होता है इसके अंदर। मूवी का जो पर्पस था डराने का वो तो होता नहीं यार, बल्कि इस मूवी को देखकर नींद जरूर अच्छी आ जाती है यार। मतलब कि एक टाइम था यार जिसमें मतलब भूतिया मूवी देखते थे जिसमें लगता था कि यार हाँ यार इसमें डर लग सकता है, लेकिन अब तो यार हम तो खुद चैलेंज लेके जाते हैं यार, तुम डरा पाओगे सच में हमको, सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम तुम्हारे अंदर डराने का है ऑडियंस को, तुम उसके अंदर थोड़ा डर पैदा करवा। लेकिन आजकल वैसी नहीं हो रही है, हॉरर जो है एक्चुअल में यार अंदर का इंसान का रोंगटे खड़े कर दे, मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ हॉरर ये होने चाहिए, जरूरी नहीं कि वो भूतिया मूवी से आए। काफी सारी ऐसी मूवीज होती हैं जैसे रोंग टर्न होगी फर्स्ट पार्ट, उसका काफी ज्यादा डरावना लगता है, या फिर कहूँ सॉ मूवी होगी, एक्चुअल के मूवीज हैं जिनके अंदर हॉरर अच्छे खासे में प्रेजेंट किया गया है। खैर उनके ऊपर नहीं जाते, इस मूवी के ऊपर वापस फोकस करते हैं। तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप कंजरिंग के मतलब ये जो कंजरिंग सेगमेंट है इसके अंदर जितने मूवीज भी आ चुके हैं आपको ये मूवी देखना पसंद है तो शायद आप इस मूवी को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने भी मूवी नहीं देखी है और जिनको हॉरर मूवी देखनी है तो इच्छा होती है कि यार हमें हॉरर देखना है, ट्रू हॉरर देखना है, तो वो ये नहीं है यार, वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।